करणवीर ने बताया कंटेस्टेंट्स का फ्यूचर। करणवीर ने कहा विवियन पहुंचेंगे टॉप टू में। जी हाँ गाइस, इस वक्त सलमान खान करणवीर को बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क खिलवाते हैं, जहां पर करणवीर के सामने बहुत सारी डॉल्स पड़ी होती हैं और एक के बाद एक करणवीर को उन्हें किक आउट करना है उनके इविक्शन के बेसिस के ऊपर। वेल, सबसे पहले करणवीर किक आउट करते हैं शहजादा को और उसके बाद किक करते हैं तजिंदर बग्गा को और कहते हैं कि तजिंदर बग्गा सिर्फ चाय की बात करते हैं। साथ ही तजिंदर के बाद आती है सारा की बारी, जिसके बाद करणवीर ट्रायो को किक आउट करते हैं, जहां एलिस का नंबर पहले आता है, फिर ईशा का। वहीं गाइस, अगर टॉप थ्री की बात करें तो करणवीर अपने साथ टॉप थ्री में लेके जाते हैं विवियन डिसेना को और चुम दारंग को, जहां करण कहते हैं कि चुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए मुझे लगता है कि वो एंड तक रहेंगी। वहीं विवियन की जब तक बारी आती है तो करण कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बिग बॉस का लाडला है इसलिए ये भी एंड तक बना रहेगा, लेकिन मैं इसे ट्रॉफी जीतने नहीं दूंगा। वेल, फिलहाल तो करणवीर ने अपना प्रिडिक्शन बता दिया है कि टॉप थ्री में चुम, करण और विवियन होने वाले हैं। वहीं देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में करणवीर की प्रिडिक्शन सच हो जाएंगी। वहीं गाइस, आपको क्या लगता है इस पूरे टास्क के बारे में हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।